आपका किसी रोग से बीमार हो, एड्स हो, कैंसर हो, हेपेटाइटिस बी हो, ब्लड कैंसर, लैंड बच्चे की रिपोर्ट है मेरे पास 500 की, समझे। अब वो जवाब क्या, उनके पास ऑथेंटिक रिपोर्ट है, एचआईवी पॉजिटिव और नेगेटिव के दोनों साथ है। मैंने भारत सरकार को दे दी, वसुंधरा को दे दी, मगर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो मंत्र है क्लीन, क्रिएशन क्लीन, क्लीन क्रिएशन क्लीन, क्या आधा लय में मिलावा, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना अंग। अभी आप मन ही मन अंग जपो तो यहां स्ट्रोक लगेगा अंग, तो इसको जपना है राउंड की रोग, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो इससे ठीक हो जाओगे आप, मगर प्रोफेशनल गुरु चाहे आप बना लो, मगर इस कष्ट के लिए तो मुझे गुरु बनाना पड़ेगा, मुझे समर्थन झुक करके डिमांड करनी पड़ेगी। राजा जनक का उदाहरण दूं मैं आपको, राजा जनक तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, बहुत गुरुओं को बुला लिया नहीं पार पड़ी, तो उधर से अष्टावक्र जी आ गए। अष्टावक्र जी को देख के वो लोग हंस दिए, दूसरे गुरु। तो जब जनक ने पूछा महाराज ये समस्या है, तो उसने कहा राजा ये तो कोई समस्या नहीं है, तू राजा है, जनक है, और औरव से अगर ये ज्ञान प्राप्त करना तो नहीं मिलेगा, तो को झुक के ही मांगना पड़ेगा। फिर उनका जवाब दिया गुरुओं का कि ये तो खाल के व्यापारी हैं राजन, इनको इस ज्ञान इसका ज्ञान ही नहीं है। तो कहते हैं अष्टावक्र जी ने कहा घोड़े के एक रगा में पैर रख, दूसरे में नहीं रख सकेगा, बशर्ते तुम झुक के मांग ले। उदाहरण यह है कि कहते हैं 3 दिन तो खड़े रहे जनक। ये ऐसा दिव्य ज्ञान है जो इस भारत की पुण्य भूमि में हमेशा हुआ है। महर्षि अरविंद ने कहा है मैन इज ए ट्रांजिशनल बींग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच कर रहे थे, तो किसी अमेरिकन ने खड़े होकर पूछ लिया महाराज लेक्चर जा रहे हो बड़े लंबे चौड़े, आपके देश में तो शाकाहारी मांसाहारी सबसे पहला रहा, हम लोग सारे मीट शराब खाने वाले लोग। तो समझे चलते स्पीच में कह दिया यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, द थिंग्स विल गिव यू अप। समझे समझा। तो स्पीच देते देते किताबी ज्ञान तो उगल दिया, अब आज क्या बोलेंगे, स्टेज पे चले गए बेचारे, बोलने लगे, नीचे उतरे तो कहने लगे आज मुझे नहीं मालूम मैंने क्या बोला, मगर तालियां सबसे ज्यादा बजी। समझे। तो कितने लोग, कितने गुरु कहते हैं कि अफीम मत खाओ, शराब मत पियो, ये जहरीली लागन है, कोई सुनता है, मेरी क्यों सुनेगा। मैं कहता हूं चैलेंज के साथ कि नाम जब करते रहो नशा पड़ोसी के नहीं रहेगा, आज ही फैसला हो जाएगा, लीकर के लिए तो अफीम के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। समझे समझे। बाकी सारी बीमारियां ठीक हो रही है, एड्स हो रहे हैं, हेपेटाइटिस भी हो रही है, ब्लड कैंसर हो रही है, योग के 8 अंगों का अनुष्ठान है पातंजलि योग दर्शन में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो धारणा ध्यान और समाधि ये 3 सूक्ष्म अंग है, इसमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा,
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये तो इस कुंडलिनी के जागृत होते अपने आप हो जाएंगे। ये चेतन समाधि है, समझो, जड़ समाधि नहीं है। आनंदमय कोष तक तो हमारे इस पवित्र देश में याग्वल्क